दौसा में पानी की टंकी भरभराकर गिर पड़ी। मूसलाधार बारिश के बाद हादसों का दौर। दौसा में भरभराकर गिरी पानी की टंकी। अजमेर में धड़ाम से गिरी 3 मंजिला इमारत। भारी बारिश एक तरफ जहां उमस और गर्मी से राहत दे रही है, वहीं लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। कई जगहों से हादसे की खबरें सामने आ रही हैं। अजमेर के कैसरगंज में एक 3 मंजिला इमारत भरभरा करके गिर गई। वहीं दौसा में लगातार बारिश के बाद पानी की टंकी गिर गई। बताया जा रहा है कि पानी की टंकी दौसा के किला सागर पर बनी हुई थी, जहां आबादी क्षेत्र नहीं है, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं दौसा के महुआ में पिछले 36 घंटे 263 mm बारिश दर्ज की गई। इतनी बारिश के बाद महुआ पानी पानी हो गया है। ओच सर वैसे 1975 की बनी हुई है, काफ़ी पुरानी ओच सर थी, और इसको मतलब अबंडेंट डिक्लेयर करने के लिए सर्वे करवा के रिपोर्ट भी ले ली थी इसकी। इसकी तोड़वाने की कार्रवाई से पहले इसमें जो सप्लाई हो रही थी इस एरिया को, उसको डायरेक्ट सप्लाई से जोड़ने का प्रक्रिया हमारी चल रही थी। इस दरमियान ये घटना घटी। तो इसकी जगह पर वैसे 29 लाख लीटर की ओ एच एस आर सेंक्शन है, इसकी जगह पर ही बननी है। एक तरफ मकान गिर रहे हैं तो दूसरी तरफ भारी बारिश के बाद घरों में दरारें भी आ रही हैं। ऐसी ही तस्वीर अलवर के कचुमर खेड़ली इलाके से आई, जहां मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। वहीं घरों में दरार भी पड़ गई है, जिसके बाद पीड़ित परिवारों द्वारा दूसरे के घरों में शरण लेने को लोग मजबूर हैं। धौलपुर के टांडा गाँव में पार्वती नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक नदी किनारे अपने दोस्त के साथ पशु चरा रहा था। इसी दौरान नदी में नहाते वक्त दोनों डूबने लगे, जिसमें से एक को बचा लिया गया। कोटपुतली के अलग अलग इलाकों में मूसलाधार बारिश से बुरा हाल है, जगह जगह जलभराव। कोटपुतली में बारिश से बुरा हाल। दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम, कहीं सड़कें दरिया बन गई हैं तो कहीं जाम के हालात बन गए हैं। बारिश का असर जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ हाईवे और सर्विस रोड पर जलभराव तथा गड्ढे हो गए हैं, ऐसे में यहाँ जाम की स्थिति बन रही है। उधर जयपुर में भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब है। इस वक्त लगातार मूसलाधार बारिश जारी, हम दिखा सकते हैं। इस वक्त हम विधानसभा के पास में हैं। ये इलाका ऐसा है जहाँ सर्वाधिक जो है लोग यहाँ से निकलते हैं। हरियाली से भरा ये जो मौसम है वो अब इस बारिश की पूरी बयां अपने आप जो है कह रहा है। चूंकि लगातार बारिश के कारण हम देख सकते हैं कि सड़कों पर जल भराव की स्थिति है। कई जगह जो नाले चौक हो गए थे उसके कारण पानी नहीं निकल पा रहा है। झुंझुनू के अलग अलग इलाकों से भी परेशान करने वाली खबर सामने आ रही है। पिलानी तहसील में एक तरफ तेज बारिश के बाद पावर हाउस जलमग्न हो गया, गाँव की बिजली कटौती हो रही है। बिजली घर में पानी भरने के बाद हादसे का खौफ छाया है। वहीं दूसरी तरफ सुल्ताना कस्बे में भारी बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई हैं। लोगों को बाहर आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तेज बारिश होने के कारण सुल्ताना में 1 से 1.5 घंटा बारिश हुई है, जिस कारण से पानी का जो जल स्तर है वो बहुत ही ज्यादा स्पीड पे भरा हुआ है, लेकिन पंचायत इससे कोई ध्यान नहीं दे रही है। बहरहाल 13 जिलों में बारिश का अलर्ट है और आने वाले 3-4 दिन में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है, मौसम विभाग ने ये जाहिर किया है। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग जिलों में बारिश के बाद परेशान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं, वो प्रशासन के दावों की पोल खोल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। तो मैदान में नदियां उफान पर हैं, तो पहाड़ों में भी लैंडस्लाइड और बादल फटने से भारी तबाही हो रही है। उत्तराखंड के चमोली जिले में पहाड़ी दरकने की खतरनाक तस्वीर सामने आई है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से अब तक 13 जाने जा चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ से मैदान तक इस वक्त बाढ़ बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की तस्वीरें बार बार सामने आ रही हैं। चमोली के निजमुला घाटी में लैंडस्लाइड हुआ है। गौणा गांव के पास हुए लैंडस्लाइड की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। लगातार हो रही बारिश के बीच पहाड़ दड़क रहे हैं। हालांकि लैंडस्लाइड से कोई नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन लगातार पहाड़ी दरकने से खतरा बना हुआ है।
उत्तराखंड के सोनप्रयाग में जगह जगह पहाड़ से भारी पत्थरों के गिरने से कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहीं फंसे हुए लोगों का सेना अस्थायी पुल बनाकर रेस्क्यू कर रही है, लेकिन पत्थरों की चपेट में अस्थायी पुल आ जाने से राहत और बचाव में देरी हो रही है। वहीं सोनप्रयाग में अब तक करीब 300 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा चुका है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते मंदाकिनी नदी रौद्र रूप में नजर आ रही है। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन लगातार लोगों से नदी के किनारे से दूरी बनाए रखने की अपील कर रहा है। आधे हिंदुस्तान में बारिश ने अपना कहर बरपाया हुआ है। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पौड़ी गढ़वाल, चमोली, देहरादून, नैनीताल समेत कई जिलों में बाढ़ की भी चेतावनी जारी की गई है। वहीं बादल फटने के बाद आई तबाही में अब तक कई लोग अपने आशियाने खो चुके हैं, तो कई लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने की वजह से भागीरथी नदी ने विकराल रूप ले लिया है। तेजी से बढ़ते जलस्तर की वजह से रिहायशी इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं, जिसकी वजह से कई लोग तेज बहाव में फंस गए। बहाव में फंसे मवेशी को भी कड़ी मशक्कत के बाद आपदा प्रबंधन की QRT टीम ने बचाया। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ है। श्रीखंड के समेज और बागी पुल के पास पानी के तेज बहाव में 45 लोग बह गए। बचाव कार्य में जुटी NDRF की टीम ने 13 लोगों के शव बरामद किए हैं। इलाके में राहत और बचाव अभियान जारी है। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। इलाके में हो रही बारिश के कारण बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। यह वक्त हुआ है खबर दोपहर का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की मिल रही बड़ी खबर के साथ करेंगे। लॉरेंस गैंग के दो गुर्गे गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस गैंग के दो गुर्गों को दबोचा है, पकड़ा है। हरियाणा के झज्जर के निवासी हैं ये दोनों ही। और आपको ये भी बता दें, इनका नाम सामने आ चुका है, विक्रम और राकेश के तौर पर इनकी पहचान हुई है। गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस की तरफ से। लॉरेंस के आदेश पर ये वारदातों को अंजाम देते थे, दिल्ली हरियाणा में वारदातों को अंजाम दिया करते थे। क्राइम ब्रांच को फिलहाल द्वारका में मुलाकात का इनपुट मिला था, यानी दिल्ली के द्वारका में ये मुलाकात का इनपुट मिला था, और हरियाणा में बड़ी वारदात करने की ये प्लानिंग कर रहे थे। तो बदमाशों के पास से पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। फायरिंग, एक्सटॉर्शन, मनी जैसी वारदातों को ये अंजाम दिया करते थे। तो बड़ी खबर, शंकर आनंद सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, बड़ी कार्रवाई और बड़ी सफलता, क्या अपडेट मिल पा रहा है यहाँ से? निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए विक्रम और राजेश नाम के इन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, तो इस मामले में आगे पूछताछ की जो तमाम प्रक्रिया है उसको पूरा किया जा रहा है। और जिस तरह से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार करने के बाद अभी इस मामले पर उसके तमाम जो कनेक्शंस हैं वो ढूंढे जा रहे हैं, किस तरह से, चाहे हरियाणा की बात करें या राजस्थान की बात करें या दिल्ली NCR की बात करें, तो इन इलाकों में किस तरह से इनका, इन लोगों का कनेक्शन था और किस तरह से एक बड़े आपराधिक साजिश को अंजाम देने में जुटे हुए थे, तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ की जा रही है। और जिस तरह से राजस्थान से जो कनेक्शन है वो इसका काफी जुड़ा हुआ कनेक्शन जो है वो पूछताछ की प्रक्रिया में सामने आई है, लेकिन इस मामले पर आगे जो पूछताछ की कार्रवाई है वो भी की जा रही है। हालांकि और राजेश और विक्रम जो है ये दोनों राजस्थान के हरियाणा के झज्जर का रहने वाला है, लेकिन इसके जो कनेक्शंस हैं, चाहे दिल्ली NCR की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, हरियाणा की बात करें, तो यहाँ पर काफी करीबी इसका कनेक्शन रहा है और पिछले काफी समय से बड़े आपराधिक मामलों को अंजाम दे रहा है। और जिस तरह से इस दोनों अपराधियों का जो कनेक्शन है लॉरेंस गैंग के साथ में बताया जा रहा है, लॉरेंस गैंग के साथ में कैसे जुड़ा हुआ था, किस तरह से उन तमाम मामलों को अंजाम देता था। और लॉरेंस गैंग की अगर बात करें तो इस लॉरेंस गैंग का 5 राज्यों में जो कनेक्शन है उन तमाम मामलों पर भी आगे पूछताछ की जा रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के द्वारा एक बड़ी कामयाबी
हासिल हुई है और इस मामले पे आगे की तफ्तीश जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर आनंद आपका इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए।